वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज से हम आपके साथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो आइए पहले आप इसका जवाब ले लेंगे, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे पास में जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हमारे जो ये रिसोर्सेज है, चारों के चारों रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है। अगर आप किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप इन्हीं चार रिसोर्सेज का आप यूज करते हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको सर्विस भी दे रहा हूँ तो मैं लैंड यूज कर रहा हूँ, मैं एज अ लेबर काम कर रहा हूँ, मैंने कैपिटल यूज कर रहा हूँ और एज अ एंटरप्रेन्योर मैंने सोचा कि ऐसा काम किया जाए जिससे कि मुझे कुछ प्रॉफिट हो। तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन में आप लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आप यूज करते हैं। एक किसान भी अगर खेती कर रहा है तो वो भी लैंड यूज कर रहा है, वो भी एज अ लेबर काम कर रहा है, वो भी कैपिटल लगा रहा है सीड्स वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह, और एज अ एंटरप्रेन्योर वो रिस्क ले रहा है कि अगर बरसात नहीं हुई या बरसात जोरों से ज्यादा हो गई तो फसल उसकी बर्बाद हो सकती है। तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इसका यूज होता है, जिसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। और ये सारे के सारे चारों के चारों रिसोर्सेज क्या है, हमारे लिमिटेड होते हैं। लैंड लिमिटेड है, लेबर भी लिमिटेड है। अब कहोगे नहीं लेबर तो लिमिटेड नहीं है, लेबर तो अनलिमिटेड है, बहुत सारे लेबर मिल जाते हैं। डियर अनलिमिटेड चीज जो होती है ना वो ऑलमोस्ट उसका कभी कोई प्राइस नहीं होता है। लाइक एयर, इसे कहते हैं अनलिमिटेड है, इसका कभी कोई प्राइस नहीं रहेगा। बट लेबर आप फ्री में काम करवा सकते हो क्या, तो लेबर भी लिमिटेड होता है। तो लैंड, लेबर एंड कैपिटल तो रहता है लिमिटेड, एंड एंटरप्रेन्योर सारे के सारे एंटरप्रेन्योर थोड़ी है। तो चारों रिसोर्सेज हमारे पास में लिमिटेड रहता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर किसी भी इकोनॉमी में जो लोगों के डिजायर होती है, जो डिमांड होती है, वो अनलिमिटेड होती है। अगर मेरे पास पे एक घर है, आपके पास में एक घर है, तो आप सोचेंगे कि भैया एक और घर हो जाए, एक गाड़ी है तो एक और गाड़ी हो जाए। तो लोगों की जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है, और वो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, वो जिन चीज से बनता है रिसोर्सेज, वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड चीज से हम अनलिमिटेड वांट्स या अनलिमिटेड हम गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, अनलिमिटेड वांट्स को हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से हर फर्म को ये चाहिए कि अगर आपके पास में लिमिटेड सोर्स है तो उसको आप एफिशिएंटली आप उसको यूज करें, अपने रिसोर्सेज को उसका वेस्टेज कम से कम हो, और इस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन आप करें कि आपको मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करके आपको दे। अगर आपके पास में मान लो कि 100 रुपए है और आपसे ये कहा जाए कि आपको इसमें 1 वीक सस्टेन करना है 100 रुपीज पॉकेट मनी लेकर के, तो आपके पास जब वो काफी लिमिटेड है तो आप बहुत सोच समझ करके आप प्लानिंग कर करके उस 100 रुपीज को उसके अकॉर्डिंग आप जो है एक्सपेंस करें, उसको आप खर्च करेंगे। इसीलिए हर एंटरप्रेन्योर के पास में, हर फर्म के पास में, अगर वो किसी गुड्स सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा है और रिसोर्सेज उसके पास में लिमिटेड है, तो उसको अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करना चाहिए जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो या फिर उसका कॉस्ट मिनिमाइज हो। क्योंकि हर फर्म चाहता है कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, वो तभी पॉसिबल है जब अपना कॉस्ट वो मिनिमाइज करे। तो इस सिचुएशन में आप यहां पर क्या देखेंगे, आप बड़े बड़े वर्ड कॉलम आपको देखने को मिलेगा कि एक फॉर्म के पास में ऑप्शंस है कि वो मशीनरी ए का यूज कर रहा है, वो मशीनरी बी का यूज कर रहा है, दोनों में से कौन से मशीनरी का वो यूज करे जिससे कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, या कितने लेबर लगाए जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये एक जो फॉर्म के पास में बेसिकली प्रॉब्लम रहती है कि अपने रिसोर्सेज को कैसे हम यूज करें, किस मशीनरी को हम अडॉप्ट करें, कितने नंबर ऑफ हम लेबर लगाएं जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम रहे या फिर मेरा कॉस्ट जो है मिनिमाइज रहे। ये हर फर्म के पास में एक चैलेंज रहता है, एक प्रॉब्लम रहता है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निकल टर्म्स आपके पास में आ जाता है, ये एक नॉलेज आ जाती है जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब सवाल यह है कि ठीक है सर, आपने लीनियर प्रोग्रामिंग तो आपने बता दिया, लेकिन इस लीनियर का क्या मतलब है और फिर प्रोग्रामिंग का क्या मीनिंग है? तो बच्चे लीनियर का मीनिंग क्या है, लीनियर का मतलब यह होता है कि कोई भी वेरिएबल जिसके ऊपर पावर वन होता है ना, पावर वन, उसे लीनियर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ना, मैं एग्जांपल ले रहा हूं लीनियर के लिए, एक्स की पावर 2, ये पावर मोर देन 1 है, इसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है, लीनियर नहीं है। लीनियर के लिए क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक्स होगा, एक्स रेस्ट टू पावर आपके पास में कुछ भी नहीं होगा, मतलब 1 होगा बट 1 से ग्रेटर पावर नहीं होगा। तो किसी वेरिएबल के ऊपर जब पावर मैक्सिमम 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लीनियर कहते हैं। तो यहां पर आपको जो है वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे, जैसे दो मशीनरी है ना, तो एक मशीनरी को हम एक्स सेलेक्ट करेंगे,
दूसरे मशीनरी को हम वाई लेट करेंगे या लेबर को एक्स और वाई। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हम इनको जब लेट करेंगे तो ये हमारे पास में दो वेरिएबल होंगे, क्लियर है। और इनके ऊपर पावर किसी के ऊपर क्यू किसी स्क्वायर देखने को नहीं मिलेगा इस चैप्टर में, पावर आपका यहाँ पर मैक्सिमम वन ही रहेगा। तो आप यहाँ पर इस पे प्लस माइनस या फिर 2x प्लस 3y समथिंग कुछ भी आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली दो वेरिएबल में आपको रिलेशन देखने को आपको मिल सकते हैं दोनों वेरिएबल में। तो आपको दो वेरिएबल जिसकी पावर वन हो और उसमें एक रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। और प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्लानिंग। तो यहाँ पर आपके पास में आपको एक फॉर्म में प्लानिंग करनी होगी कि किस मशीनरी का यूज करें, कितने नंबर ऑफ लेबर का यूज करें आप, तो वो आपके पास में बन जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग, क्लियर है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको यहाँ पता लग गया कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन किस तरीके से आप अपने एग्जाम्स में फेस करेंगे, अब सवाल ये है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। बच्चे मैं क्वेश्चन पे भी आऊंगा, सोल्यूशन पे भी आऊंगा, मैं सब कुछ पर आऊंगा, लेकिन आज के क्लास में हम क्वेश्चन को नहीं देखते हैं। आज की क्लास में हम कुछ स्टेप्स को देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आप पहले कुछ टर्म्स आप समझ लीजिए, कुछ चीजें आप समझ लीजिए, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत कम टाइम में ये हो जाएगा। तो पहले कुछ टर्म्स को आप समझ लेंगे ना, उसके बाद जब हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो तब आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल आप क्या समझिए, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए कुछ टर्म्स को भी साथ साथ हम क्लियर करते हैं। बच्चे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक टर्म आपके पास में दो टर्म है, एक होता है इक्वेशन और एक होता है इनइक्वेशन, दो चीजें हैं आपके पास में ध्यान रखिएगा। एक होता है क्या, एक होता है इक्वेशन, बच्चे एक होता है इक्वेशन, ठीक है। और एक टर्म आपको देखने को मिलेगा इनइक्वेशन, क्लियर है। अब आप यहां पर देखेंगे इक्वेशन और इनइक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। इक्वेशन मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखते हैं 2x प्लस 5 प्लस y इक्वल्स टू 10। तो इक्वेशन में बेसिकली क्या देखने को आपको मिलेगा, ये आपको इक्वेशन में देखने को मिलता है इक्वल का साइन। लेकिन जो इनइक्वेशन होता है उसके अंदर 3x प्लस y ग्रेटर देन 2, क्लियर है, या लेस देन x प्लस y लेस देन 3 समथिंग, आपको इक्वेशन में इक्वल का साइन देखने को मिलता है। और जब ग्रेटर देन लेस देन इस तरीके के आपको साइन देखने को मिलते हैं कि आपके पास में कुछ इस तरीके आपको साइन देखने को मिलेंगे, तो आपके पास में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इनइक्वेशन कहते हैं, क्लियर है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में बेसिकली आप इनइक्वेशंस को फेस करने वाले हैं। अब इनइक्वेशंस को किस तरीके से आपको समझना है वो समझ लीजिए, हम थोड़ा टर्म्स में क्लियर कर देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल बच्चे हमेशा ध्यान रखना, जैसे 8 और ये मेरे पास में 12 है, तो हमेशा क्या होता है, जो छोटे होते हैं उसकी तरफ उंगली होती है ना, बड़ों को आप उंगली नहीं दिखा सकते ना, छोटों को ही उंगली दिखाओगे ना, तो मतलब कि जो छोटा होता है ना उसकी तरफ इस तरीके से आपके पास पे ये रहता है। तो ये आपका जिसकी तरफ ये रहेगा, फर्स्ट वाले को हम पहले पढ़ते हैं 8 और उसके बाद बोलते हैं हम ये लेस, पहला वाला उसके बारे में बात नहीं होती है, बात इसके बारे में होती है 8 बड़ा है या छोटा है। तो ए 8, अब ऐसे बोल सकते 12 बड़ा है 8 से, तो ये भी ठीक है पर ये तरीका सही नहीं है। हम पहले वाले के लिए बोलते हैं, लेफ्ट वाले के लिए बोलते हैं 8 छोटा है 12 से, ये तरीका सही है, क्लियर है जी। इसको बोलेंगे 8 लेस देन 12, बात समझे और क्लियर है। तो जिसकी तरफ ये आपके पास पे नोक बना हुआ है, ये चोंच बनी हुई है, वो छोटा होता है, जिसकी तरफ ये खुला हुआ है वो बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल 7 ये दिस वन, तो ये आप इसको ऐसे बोलेंगे 7 ग्रेटर देन 3, क्लियर है। और दिस वन इसको बोलेंगे 8 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, दोनों ये क्या है, ये इक्वल्स का भी साइन है, 8 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू x, 7 लेस देन एंड इक्वल्स टू y। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से कौन छोटा हुआ कौन बड़ा हुआ। तो आपको यहां पर इनइक्वेशन से अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई कि इनइक्वेशन किसे कहते हैं। सर ये इनइक्वेशन क्या है, ये भरत क्लियर है आपको, ये इनइक्वेशन क्या है। अब आपको क्वेश्चंस किस तरीके को देखने को मिलेंगे, सॉल्व कैसे करोगे आप, उस बात पे भी हम आते हैं। देखिए मैं आपको कुछ स्टेप बता रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, स्टेप क्या रहने वाला, बहुत आसान है समझिएगा। स्टेप नंबर वन क्या रहने वाला है, स्टेप नंबर वन में आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, x प्लस 4y, ये इन इक्वेशन ऑलवेज गिवन होगा।
आप इसको एज अ इक्वल ट्रीट करेंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे। स्टेप नंबर वन फिनिश, क्लियर है। स्टेप नंबर टू की मैं बात करता हूं। अब आप क्या करोगे, स्टेप नंबर टू में आप वैल्यू पुट करेंगे। मैं इसको यहां पे बना देता हूं, दिस वन। आप क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर वैल्यू अप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप जो है वैल्यू आप अप्लाई कर सकते हैं एक्स और वाई की, आपकी मर्जी, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। मैं जरूरी नहीं कि यही वैल्यू आपको रखना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। जो टेंथ में आप करते थे आपको थोड़ा बहुत याद होगा, जो मन में आया यहाँ पर रखने का 50, 100, 80, 5, -10, -20, उससे आपके लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझे, तो सबसे पहले आपके मन में जो आया वो रख सकते हो, उससे कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा कैलकुलेशन भी तो आसान हो थोड़ा सा, तो क्यों ना अगर कुछ भी रखा जा सकता है तो वो रखा जाए, जिससे कि कैलकुलेशन आसान बन जाए, ग्राफ बनाना हमारे लिए आसान बन जाए। तो आइए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करना चाहते हो तो मतलब कुछ भी रख लो, आपके आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, आप है ना किसी के भी जगह पर, मान लो एक्स है ना, तो चलिए एक्स की जगह पर आप जीरो रखिए, पहले जीरो रखा करो। तो एक्स की जगह पर अगर जीरो रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, आपको पता है। एक्स की जगह पर अगर आपने जीरो रख दिया तो 4y = 8 एंड y = क्या आ जाएगा, आपका y = आपका 2 आ जाएगा। मेरी बात समझे, तो एक्स जीरो रखा तो वाई 2 आ गया। अब सिमिलर यहां पर आप जो है वाई की जगह पर, यहां पर क्या रखा पहले, एक्स की जगह पर जीरो रखा। अब एक काम कर सकते हैं, वाई की जगह पर भी जीरो, कुछ भी रख सकते हो बच्चे, लेकिन ये थोड़ा आसान हो जाता है ना कि जीरो रखोगे आप वाई की जगह पर, तो एक्स प्लस 4 और 0 = 8 एंड x = क्या आया आपका 8। तो y की जगह पर क्या रखा, 0, तो x की वैल्यू क्या आई आपकी, 8 आई है। क्लियर है, बात समझे। अब आप यहां पर देखेंगे कि आपके पास में ये आपके पास में क्वेश्चन, अब आप यहां से आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। स्टेप नंबर टू कंप्लीट, स्टेप नंबर वन इक्वल का साइन एंड स्टेप नंबर टू टेबल बनाना है, दो स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या है बच्चे, आपको है ना ग्राफ बनाना है, और ग्राफ आपको बनाना है कुछ इस तरीके से। बनाते हैं ना आप ग्राफ कुछ ऐसा लेकर, आपको पता है कि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो यहां पर आप जो है ये आपका ओरिजिन है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है नेगेटिव वाला, ये एक्स एक्सिस आपके पास में पॉजिटिव का, ये आपके पास में वाई पॉजिटिव का रहता है ऊपर, और नीचे वाई आपका नेगेटिव का रहता है। और नंबर प्लॉट करना चाहते हैं तो आप प्लॉट यहां पर कर सकते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर है, इस तरीके से 6, 7। और यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास में 8, और इसी तरीके से आप करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अगर आप नीचे आते हैं तो आपका माइनस में होगा, -1, -2, -3, -4, -5, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने टेबल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहां पर आपका -1, -2, -3, -4 समथिंग, इस तरीके से आपका ग्राफ रहेगा। क्लियर है, आइए अपने पॉइंट को आप प्लॉट करेंगे, ठीक है। आप पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो x0 पे आपके पास में x0 है तो y क्या है 2 है, ध्यान रखिएगा आप, x0 है तो y क्या है 2 है, तो जब x आपका 0 तो x0 यहां पर है, y क्या है 2 है, दिस वन। क्लियर है, बात समझे। तो यहां पर क्या आपका, पहले x को लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको हम, ठीक है जी, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं इसको, कि सबसे पहले x क्या है यहां पर 0, फिर y क्या है यहां पर 2, ये कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास पे, ठीक है, 0 एंड 2। क्लियर है, अब आगे देखेंगे x8 एंड y0, तो x मेरे पास में क्या 8 है, दिस वन, x पहले x लिखेंगे ना 8 एंड y क्या है 0, इसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब आप क्या करो, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दो, इन दो पॉइंट्स को आप क्या करेंगे बच्चे, इन दो पॉइंट्स को आप कनेक्ट करेंगे, पर जब कनेक्ट करेंगे तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा लाइन मेरे पास पर स्केल नहीं है, है तो सही लेकिन टाइम लग जाएगा ढूंढने में मुझे, डिसिप्लिन टूल्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, मैथ्स में अगर मैं लेता हूँ स्केल तो मेरे पास में ये आ जाता है, दो क्यों आ रहे हैं,
आप भी कहेंगे सर मज़ा आ गया है। देखो यूज़ होता है नहीं होता है सही से, कई बार तो यूज़ नहीं हो पाता है। एग्ज़ाम में लेकर के जाना और नेक्स्ट क्लास में पेन पेंसिल सब कुछ लेकर स्केल वगैरह लेकर के बैठना बच्चे, ठीक है। ये लाइन है ना पूरा आप पूरा मत खींचना, इस लाइन को आप थोड़ा सा डॉटेड खींचना इस तरीके से डॉटेड में, ठीक है क्लियर है। तो इस लाइन को आप क्या करना, इस लाइन को आप डॉटेड में आप जो है क्लिक ये लेना, क्योंकि इक्वेशन जब होता है ना तब बिल्कुल लाइन आपके जो डार्क लाइन जाती है, बट इन इक्वेशन है ना तो फर्क इतना पड़ जाता है कि लाइन डॉटेड जाती है आपकी, क्लियर है। ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई। अब इस लाइन का आप नेम क्या दोगे, इस लाइन का आप नाम ये दोगे बच्चे आपका, ये किस लाइन से ड्रॉ करा आपने, किस इक्वेशन से ड्रॉ करा आपने, इसका जो नेम रखोगे आप x प्लस 4y, आपको इक्वल्स टू ही यूज करना 8, इस लाइन का अपना एक नाम रख दोगे, ठीक है, जो कि बेटर है कि आप इसको ऐसे लिखें, कैसे x प्लस 4y इक्वल्स टू 8, बात समझ गए। कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज जरूर पूछे आप कोई डाउट। अब आपको एक काम करना है क्या अब आपको एक स्टेप और लिखना है, आपके पास में क्वेश्चन क्या था, आपके पास में क्वेश्चन है x प्लस 4y दिस वन 8, क्लियर है। दो स्टेप हो गए, स्टेप नंबर 1 इक्वल का साइन डाला, स्टेप नंबर 2, चलिए तीन चार स्टेप बनाते हैं, स्टेप नंबर 1 इक्वल का साइन डाला, स्टेप नंबर 2 टेबल बनाया, स्टेप नंबर 3 ग्राफ बनाया और डॉटेड बनाया उसका नाम रखा, स्टेप नंबर 4 अपने मेन क्वेश्चन को आपने लिखा और इसकी जगह पर ओरिजिन क्या होता है, बेसिकली ओरिजन होता है बच्चे हमारे पास में 0 0, ध्यान रखिएगा, तो ओरिजन 0 0 होता है, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा मैं यहां पर 0 0 रख रहा हूं, दिस वन एक्स के 0 और वाई की जगह, ओरिजन पे एक्स की वैल्यू क्या होती है एक्स कोऑर्डिनेट की, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू होती है 0 एंड वाई की वैल्यू क्या होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो मैं हमेशा ऑलवेज 0 0 ही अप्लाई करूंगा, तो क्या आया 0 ग्रेटर देन 8, ऐसा मत बोल देना 0 प्लस 0 2 0, 20 मत लिख देना, समझे। तो बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या 0 8 से ग्रेटर होता है, नहीं होता। अगर ये फॉल्स है क्योंकि मैंने इस तरफ के कोऑर्डिनेट रखे, थोड़ा सा लाइन को मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने इस तरफ के कोऑर्डिनेट, आप जरूरी 0 0 रखो, मैं कहता हूं 2 0 रख दो, मैं कहता हूं आपको -1 0 रख दो, -1 एंड 1 रख दो, मतलब या तो आप लाइन के इस तरफ का कोई कोऑर्डिनेट रखो या तो लाइन के उस तरफ कोई कोऑर्डिनेट रख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जब कुछ भी रखा जा सकता है तो वो रखा जाए जिससे कि आपके लिए कैलकुलेशन आसान रहेगी, इसलिए मैंने कहा 0 0 रख दो। अगर 0 0 इस तरफ का रखा और वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वो फॉल्स हो गया, क्लियर है, वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो मतलब कि शेडो जो है इसके इधर नहीं आएगी, इधर वाला फॉल्स हो गया ना, तो आपकी शेडो इसके इधर बनेगी, दिस वन, ये दिस वन। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इस तरीके से आप जो है लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर जो है आप ग्राफ को आप प्लॉट करते हैं। भाई मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है। अब ग्रेटर देन का क्या कह रहे हैं आप, दिस वन, यहां पर आपको क्या करना है कि आपको जो है 0 और 0 हमेशा ओरिजिन आप अप्लाई कर दो यहां पर, ठीक है, वैसे तो ये नेसेसरी नहीं है, आप इस लाइन के नीचे का कोई भी कोऑर्डिनेट आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है, 2 एंड 1 भी अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें इस इक्वेशन में, बट वो अप्लाई करो जो कि आपके लिए कैलकुलेशन आसान कर दे, तो इसके इधर का कोई भी एक कोऑर्डिनेट पकड़ लो या फिर आपका मन करे तो इसके उधर का कोई कोऑर्डिनेट पकड़ लो, लेकिन जब मैं कोऑर्डिनेट पकड़ रहा हूं तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तब मैं उस तरफ शेडो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं उसके दूसरी साइड शेडो बनाऊंगा। मुझे पता है आपके मन में कुछ सवाल आए होंगे, सर यहां से कैसे पता लग जाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है या कॉस्ट मिनिमाइज हो रहा है या ये बेस्ट रिसोर्स है, ये सारे सवाल होंगे, मैं पहले क्वेश्चन पे भी लाऊंगा, इन सवालों पर भी लाऊंगा, इसके थ्रू उसका आंसर भी करूंगा, बट पहले कुछ स्टेप्स को समझ लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम हमें उन चीजों पर ध्यान देना है जो आपके मन में सवाल है, क्लियर है जी, समझे, ये क्लियर है आपको। तो इसी तरीके से बच्चे अब आप जो है आपके पास में ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जल्दी से क्विकली से आप ये 4 स्टेप में एक ग्राफ बना के दिखाइए, जल्दी फास्ट। क्लास लेट स्टार्ट हुई, लेट भी चलेगी, लेकिन अभी आपको 2-4 मिनट दिया क्योंकि जल्दी का काम नहीं है, लाइन वाइन बनाना ग्राफ बनाना टाइम लगेगा, तो आप करिए।
हेलो हाँ जी क्लियर है, डन हो गई। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। हाँ जी बच्चे, तो एक क्वेश्चन हम और जल्दी से क्विकली हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। यहां पर क्वेश्चन क्या हमारे पास में, क्वेश्चन हमारे पास पे है स्टेप नंबर वन। क्या करेंगे हम, 3x + 2y इसको इक्वल्स टू लिख लेते हैं 6। क्लियर है जी। अब कुछ चीजें आपको, खैर एग्जाम्स है तो आपको सबको तो दिखाना पड़ेगा ही, तो चलिए मैं यहां पर ले लेता हूं। तो ये x और ये y, ठीक है जी। तो चलिए x 0 लेट कर लेते हैं पहले। x 0 हो गए तो फिर हमारे पास में 3 और 0 रखेंगे तो +2y = 6 एंड y = क्या जाएगा, 6/2 एंड 3। तो y की वैल्यू क्या है, 3। अब यहां पर हम क्या करते हैं, y को आप कुछ भी रख सकते हो, आप x की वैल्यू कुछ और रख सकते हो, x की वैल्यू 2 रख के फिर निकाल लो, लाइन चेंज नहीं होगी आपकी, ध्यान रखिएगा। आपके मन में कोई और नंबर आ रहा है कि x की जगह 0 का, x की जगह 1 रखना चाहता हूं, आप रख लो एक, पर पॉइंट आ जाएगा थोड़ा सा, फिर आप पॉइंटों में जाके ग्राफ बनाओगे वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट ऐसा नहीं कि वो डिफरेंट आंसर देगा। हम अब एक काम करते हैं, y 0 लेट कर लेते हैं। तो अब यहां पर क्या करेंगे, y को 0 लेट कर लेते हैं, देन y = 0 तो क्या आ जाएगा, 3x + 2 एंड y 0 हो गया तो = 6 एंड x = आपके पास में 6/3 तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है। तो अब यहां पर क्या करें, हमने y 0 एंड x क्या हो गया, x हमारे पास में 2 हो गया। क्लियर है जी, कोई डाउट, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करोगे, आप अपना एक ग्राफ बनाओ फटाफट से जल्दी से। ये आपका ओरिजिन होगा 0 0, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3 एंड 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 एंड 1 2 3 4 5, ये आपके पास में होगा, ये आपके पास में क्या होगा, x एक्सिस होगा, ये आपका x डैश, ये आपके पास में y और ये आपके पास में होगा y डैश। क्लियर है जी, समझ गए। अब यहां पर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या आपके पास में, x की वैल्यू आपके पास में 0 और y 3 है, तो x ये आपको x के लिए यहां देखना पड़ेगा, x 0 तो y क्या आपके पास में, y आपका 3 है, तो दिस वन, तो 0, 3 और आगे आपके पास में x 2 पे 0 है, तो 2 पे 0 ये रहा, x 2 y, मतलब अगर y की वैल्यू होगी तब आप ऊपर नीचे होंगे, x की वैल्यू हो तो आप ऐसे आप रहेंगे, तो क्या है 2, 0 दिस वन। अब आप इस लाइन को आपस में क्या करें, कनेक्ट कर दें कुछ इस तरीके से, इसमें पेन बहुत टाइप्स के रहते हैं हमारे पास में, जरा देखें, नहीं ये तो ज्यादा हो जाएगा, एक होता नहीं, अरे भाई क्या है ये, छोड़ो अपना ये साधारण जीवन ही बेहतर रहता है, वही जीते। हाँ जी, दिस वन ये लाइन डॉटेड, हाँ थोड़ा सा आर दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया करो आप, ठीक है, दिस वन डॉटेड करेंगे आप, क्योंकि ये इन इक्वेशन है। नाम लिख देते हैं इसका, क्या नाम है इसका, 3x + 2y = 6। अब यहां पर एक काम और करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को लेंगे, 3x + 2y < 6 एंड आप क्या करेंगे, x की जगह पर भी 0 और y की जगह पर भी आप 0 < 6, या तो लेस देन हो या तो इक्वल हो, सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे क्या आ जाएगा, 0 < 6, तो 0 एक चीज होनी चाहिए, या तो बराबरी बन जाए या तो उसके कमी हो, एक चीज तो बन गई, छोटा है 0, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसलिए आप यहां पर शेडो किस तरफ आप बनाएंगे, इस तरफ इसका शेडेड एरिया आएगा, इस तरफ पूरा, ठीक है जी, क्लियर है। तो अब आपको यहां पर कुछ स्टेप, 4 स्टेप आपको यहां पर क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से अब आपको यहां पर पहले ग्राफ में कुछ चीजों को और आपको समझना होगा, ग्राफ में बच्चे, ग्राफ में ना आप इन चीजों को समझिए पहले, वैल्यू कुछ तो ठीक है बट कुछ आप वैल्यूज कैसे रखेंगे उसको, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 1
माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड माइनस फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, माइनस फोर एंड माइनस फाइव, और इस तरीके से आपके पास में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये कुछ आपके पास में क्या है, ये कुछ आपके पास में यहाँ पर है। अब कुछ वैल्यूज तो आपको रखना ग्राफ में आ ही गया, लेकिन इसका क्या मतलब होता है ये समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ऐसा हो कि x इक्वल्स टू फोर, बस इसका ग्राफ कैसे बनेगा फिर? तो x इक्वल्स टू फोर का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू तो पता है, तो वहां जाकर के आप पहले टिक जाओ, पहले वहां कब्जा जमा लो, x की वैल्यू पता है चार है, दिस वन। और जब y की वैल्यू है ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि आपका जब y की वैल्यू नहीं है तो y आपको डिसाइडेड नहीं है कि ऊपर कितना है और नीचे आपका कहां तक है। तो जब आपके पास में बच्चे y की वैल्यू नहीं है और सिर्फ क्या आपके पास में x की ही वैल्यू है, तो x की वैल्यू है तो जहां पर आपको जिसकी वैल्यू होती है तो आप वहां पर बिल्कुल आप क्या करेंगे, y की वैल्यू नहीं है तो जिसकी वैल्यू नहीं है उसी के पैरेलल आप चले जाते हो, क्लियर है? तो x की वैल्यू चार होगी, y की वैल्यू नहीं है तो आप आगे पीछे कहीं भी नहीं होंगे, x की वैल्यू चार है, वो जिसकी वैल्यू नहीं है उसके पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करेंगे, y की वैल्यू नहीं है तो y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस वन। तो इसको बोलते हैं हम क्या, x इक्वल्स टू फोर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ऐसा हो y इक्वल्स टू थ्री, ठीक है, तो y इक्वल्स टू थ्री का मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू है तो जाइए थ्री। अब यहां पर x की वैल्यू नहीं है ना, यहां पर तो x के पैरेलल हो जाएगा, ये जिसकी वैल्यू नहीं है उसके ये पैरेलल हो जाएगा, बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है? तो ये लाइन ड्रॉ करना आपको आ गया पहले, क्लियर है बात समझे? तो अगर आपके पास में x इक्वल्स टू मान लीजिए अब है माइनस थ्री, तो क्या करेंगे, x के माइनस थ्री जिसकी है वहां तो जाओगे जाओगे, y जिसकी नहीं है उसके पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस वन, बात समझ गए, क्लियर है? तो यहां पर आपके पास में जो है कुछ चीजों को आपको देखना पड़ेगा। अब जल्दी से क्विकली आप जरा यहां पर तीन लाइन ड्रॉ करें, ईच केस में आप शेडो बनाएंगे, तीनों का शेडो आप बनाएं, ये सॉल्व हो जाएगा, लाइन ड्रॉ हो जाएगी, शेडो बन जाएगा, क्लियर है? सॉल्व हो जाएगा, लाइन ड्रॉ हो जाएगी, शेडो बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, लाइन ड्रॉ हो जाएगा, शेडो बन जाएगा, जरा तीनों का शेडो बनाइए आप, देखिए क्या आता है आपका, जरा क्विकली करें आप। देखें सबसे पहला स्टेप नंबर वन कि आप इसको इन इक्वेशन जो है इसको आप एज अ इक्वेशन में कन्वर्ट करें, मतलब इक्वल का साइन डालें। तो आप यहां पर आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, x एंड y, तो सॉल्व करते हैं, अगर आप x यहां पर जीरो पुट करते हैं तो जीरो प्लस y इक्वल्स टू सिक्स, एंड y की वैल्यू क्या है आपकी सिक्स, तो जीरो पे सिक्स आ गया। और अगर आप y जीरो अप्लाई करते हैं तो आपके पास में x इक्वल्स टू सिक्स, अगर y जीरो अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, सिक्स आ गई। ग्राफ बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं, वैल्यू रिप्लेस करेंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, क्लियर है जी? अब आप देखें आपको क्या प्लॉट करना है, जीरो पे सिक्स एंड एक्स जीरो वाई सिक्स, दिस वन, जीरो पे सिक्स एंड आपके पास में एक्स सिक्स है एंड वाई जीरो, सिक्स पे जीरो, दिस वन। यहां पे आप अपने लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड में अपनी लाइनों को इस तरीके से आप निकालेंगे। अब यहां पर देखते हैं अपने क्वेश्चन को लिखेंगे, क्या है आपके पास में, x प्लस वाई एंड लेस देन इक्वल्स टू सिक्स, तो जीरो प्लस जीरो लेस देन इक्वल्स टू सिक्स, तो जीरो लेस देन इक्वल्स टू सिक्स, ये आपका करेक्ट है। तो शेडो आपका कहां बनेगा, दिस वन, यहां पर आपका अपना शेडो बन जाएगा। अगली लाइन ड्रॉ करते हैं,
नेक्स्ट लाइन क्या आपके पास में x इक्वल्स टू वन, सिंपल इसको लिखेंगे ना आप, x इक्वल्स टू वन, x इक्वल्स टू वन, तो ये लाइन कहाँ आएगा, मतलब x की वैल्यू वन है, y नहीं है तो उसके पैरेलल चला जाएगा ये, दिस वन, क्लियर है, इसका मतलब है x इक्वल्स टू वन। नेक्स्ट लाइन क्या है, y इक्वल्स टू वन, मतलब y की तो वैल्यू होगी पर x की, पहले इसकी हम वैल्यू रख लेते हैं, x इक्वल्स टू क्या हमारे पास में वन, तो इसमें अगर मैं x जीरो रखता हूँ तो क्या ये ट्रू है आपका, जीरो इज ग्रेटर देन, जीरो इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू वन होता है, नहीं होता, तो ये फॉल्स है ना, तो आपकी शेडो कहाँ बनेगा, शेडो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि इधर का ओरिजन आपका ये फॉल्स हो गया, बात समझ गए आप, क्लियर है। अगर आपने अपने ओरिजन्स को प्लॉट करा जिस तरफ के लेफ्ट साइड के, आपने जो है कोऑर्डिनेट्स को आपने प्लॉट करा और वो सेटिस्फाइड कर रहा है तो लेफ्ट साइड ही शेडो रहेगा, पर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो फिर वो शेडो दूसरी तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से मैंने इसके इधर के कोऑर्डिनेट जीरो 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 को अप्लाई करा था बट वो आपका फॉल्स हो गया तो दूसरी तरफ शेडो चला जाएगा, क्लियर है। एंड थर्ड वन आपके पास में जो थर्ड लाइन है वो क्या आपके पास में y इक्वल्स टू वन, तो आइए y इक्वल्स टू वन देख लेते हैं इसमें क्या होगा, y इक्वल्स टू वन, ये आपके पास में y इक्वल्स टू वन है तो y की वैल्यू बट x की नहीं है तो x के पैरेलल चला जाएगा ये, दिस वन, क्लियर है। अब यहां पर अप्लाई करते हैं y की वैल्यू क्या रखेंगे, y की कोऑर्डिनेट जीरो, तो जीरो ग्रेटर देन वन होता है, नहीं होता है, क्लियर है। तो ये इस तरीके से यहां ही बन करके ऊपर शेडो बन जाएगा, क्लियर है, दिस वन। अब एक बार बताइए आप मुझे कि कॉमन एरिया कौन सा है जिसमें शेडो तीनों तरफ था, तो कॉमन एरिया देखिएगा आप कौन सा आ रहा है जिसमें तीनों कलर आपको नजर आएंगे, पिंक भी आपको नजर आएगा, ऑरेंज भी और येलो भी, तो ये दिस वन, ये आप कॉमन एरिया है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपके लिए जरूरी, जब आप यहां पर आप करेंगे तो इसके हम बोलते हैं लीनियर सिस्टम बोलते हैं, जब एक से ज्यादा लाइन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर सिस्टम बोलते हैं। और इस लीनियर सिस्टम में जब आप एक से ज्यादा लाइन बनाते हैं तो आपको उस एरिया को आपको कवर करना पड़ता है जहां पर आपके पास में सारे शेडो एक एक ही जगह पर आ रहे हो। तो ये हमारे लीनियर सिस्टम था, आप एक से ज्यादा आप यहाँ पर इक्वेशन देख रहे थे, इन इक्वेशन, क्लियर है जी, समझ में आ गया आपको यहां तक, इसे लीनियर सिस्टम कहते हैं। तो यहां तक तो फिलहाल अभी तक सॉल्यूशन बताया, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम करने भी के लिए भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं और आपका जो है कंस्ट्रेंट क्या होता है, ये हम अगले क्लासेस में इन चीजों को हम सीखेंगे, ठीक है जी। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।